अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की कुछ बड़ी खबरें। बिहार के मधेपुरा जिले के पुरैनी में दीन दहाड़े जाप प्रखंड अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट चुकी है। बता दें कि मधेपुरा के पुरैनी थाना क्षेत्र स्थित बघरा मोड़ के पास SH-58 पर दीन दहाड़े जाप प्रखंड अध्यक्ष अभिषेक उर्फ पिंकू सिंह को अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली। इलाज के दौरान पुरैनी PHC में ही हुई मौत। घटना की सूचना मिलते ही मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट चुकी है। अपराधियों की धरपकड़ हेतु छापेमारी भी जारी है। जाप प्रखंड अध्यक्ष की मौत के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। बता दें कि चौसा के भरगामा निवासी अभिषेक और पिंकू सिंह अपने बुलेट गाड़ी पर सवार होकर बिहारीगंज से अपने घर भरगामा गांव लौट रहे थे। इसी बीच पुरैनी थाना क्षेत्र के SH-58 बघरा मोड़ के पास घात लगाए अपराधियों ने गोली मार दी। अभिषेक को 3 गोली लगी है। आरोपी फरार हो गए। घटना के बाद मौके वारदात पर पहुंचे पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से पुरैनी सामुदायिक केंद्र भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हालांकि मृतक युवक की पहचान चौसा थाना क्षेत्र के बड़गावा निवासी सुबोध सिंह के 30 वर्षीय पुत्र अभिषेक उर्फ पिंकू सिंह के रूप में हुई है। धोखे में उसको भी गोली लग गई थी, लेकिन इसके ऊपर आज तक कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया, जिसके चलते कि आज ये परिणाम भुगतना पड़ा हर किसी। मन दिन दहाड़े अपराधियों का जो है सिर चढ़ कर बोलता है, और प्रशासन का भय जो है बिल्कुल भी लगन हो चुका है। पुलिस चौसा इधर 5-7 महीना पहले लवाल गांव का एक लड़का था, मुस्लिम था, इसी के साथ में काम करता था। इसके धोखे में उसको भी गोली लग गई थी, लेकिन इसके ऊपर आज तक कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया, जिसके चलते कि आज ये परिणाम भुगतना पड़ा हर किसी। घंटा पूर्व जो है SH-58 पे दुर्गापुर मोड़ के पास चिमनी भट्टा उद्योग के पास जो है अपराधियों ने जन अधिकार छात्र परिषद चौसा के वर्तमान प्रखंड अध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह उर्फ टिंकू जी को अपराधियों ने गोली मार दी। अपराधियों का मन दिन दहाड़े अपराधियों का जो है सिर चढ़ कर बोलता है, और प्रशासन का भय जो है बिल्कुल भी लगन हो चुका है। अपराधी जो है मस्त हो चुके हैं, और प्रशासन जो है पस्त हो चुके हैं अपराधियों के। शेख सिंह टिंकू के जो भी हत्यारे हैं, उनको अविलंब जांच पड़ताल करते हुए इनको सलाखों के पीछे भेजने का कष्ट करें, नहीं तो जन अधिकार छात्र परिषद प्रखंड पुरैनी इकाई और मधेपुरा इकाई भी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। नहीं तो जो है जल्द से जल्द 24 घंटा के अंदर अगर अपराधियों को सलाखे के पीछे पुरैनी प्रशासन नहीं भेजती है, तो जन अधिकार छात्र परिषद हाथ पर हाथ धरे नहीं रहेगी, और जो है लगातार जो है इनके खिलाफ में आंदोलन होगा। पुरैनी पुलिस को सूचना मिली, घटना अपना घर से बिहारीगंज जा रहे था, इसी बीच में अज्ञात अपराधी द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही हम गए, पीड़िता को हॉस्पिटल लाए हैं, डॉक्टर देखने के बाद उनका मृत्यु घोषित कर दिया गया है। अब हम लोग उस पर लगे हुए हैं, जितना जल्दी अपराधी को पकड़ें और आगे। बता दें कि जाप के छात्र परिषद चौसा का प्रखंड अध्यक्ष भी था। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुरैनी थाना अध्यक्ष मुकेश सिंह, ASI अर्जुन ओझा ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधेपुरा भेजा। इस मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट चुकी है। वहीं स्थानीय जाप कार्यकर्ताओं ने 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए पुलिस से मांग की है कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो तीव्र आंदोलन की जाएगी। वहीं मौके वारदात पर मौजूद थानेदार ने बताया कि मामले में पुलिस गहन छापेमारी कर रही है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। बहरहाल इस तरह के हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहे अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।